पांच राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जोर शोर से चुनावी तैयारियों में जुटी हुई हैं। इसमें कांग्रेस भी बीजेपी शासित राज्यों और जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां दूसरी अन्य पार्टियों की सरकार है, वहां कांग्रेस अपनी पार्टी को मजबूती देने में लगी हुई है। उनमें से एक पश्चिम बंगाल भी है। हालांकि दीदी बंगाल में किसी को भी सेंधमारी करने का कोई मौका नहीं देना चाहती, लेकिन फिर भी कांग्रेस और बीजेपी अपने पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में दिखाई दे रही हैं। हालांकि कांग्रेस पश्चिम बंगाल में पहले चरण में 30 में से केवल और केवल 6 सीटों पर ही लड़ रही है। राहुल गांधी और ना ही प्रियंका गांधी वाड्रा ने अब तक बंगाल का एक भी दौरा किया है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने ममता बनर्जी के खिलाफ लचीला रुख अपना लिया है। इसके ये साफ संकेत दिए जा रहे हैं क्योंकि ना ही सोनिया गांधी, ना ही प्रियंका और ना ही राहुल गांधी ने अब तक पश्चिम बंगाल का दौरा किया है, ना ही कोई चुनावी जनसभा को संबोधित किया है। कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल के लिए जिन 30 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है उसमें सोनिया गांधी के साथ राहुल और प्रियंका का नाम भी शामिल है। राहुल के करीबी लोगों का कहना है कि उनका फोकस फिलहाल केरल पर है जहां 140 सीटों पर एक साथ 6 अप्रैल को मतदान है। उसके बाद वो बंगाल के प्रचार में उतरेंगे और वहां 8 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। हालांकि बंगाल इकाई से जुड़े नेता के मुताबिक दूसरे चरण के लिए भी सोनिया, राहुल या प्रियंका का दौरा तय नहीं हुआ है। पश्चिम बंगाल को लेकर कांग्रेस शुरू से ही असमंजस की स्थिति में रही है। यही कारण है कि नेतृत्व राज्य के नेताओं पर चुनाव की जिम्मेदारी छोड़ दी गई है। लेकिन आखिर क्यों सोनिया और राहुल ने बंगाल से दूरी बना ली है? क्या वो ममता बनर्जी के आगे समर्पित हो गई है या फिर बंगाल से दूर हटने का कारण ये भी है कि बीजेपी कांग्रेस से ज्यादा बंगाल में मजबूती के साथ खड़ी हुई है? ये तो फिलहाल कांग्रेस की आने वाली स्थिति ही बता पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, SPN9 न्यूज़।